हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों जो है बारिश ने तबाही मचाई है और तबाही के मंजर के बाद लोगों के मन में एक बार फिर वो तस्वीरें याद आ गई हैं जो 2023 में देखने को मिली थी। 2024 की आपदा में अब तक करीब 50 लोग जो हैं वो लापता हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि वो आपदा प्रभावितों तक मदद पहुँचाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। बिंदल जी, राष्ट्रीय स्तर से भी आप लोगों को निर्देश आए हैं और आप भी लगातार जो है वो ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है सर, अभी जो आपदा प्रभावितों को मदद है क्या वो सरकार वक्त पर पहुँचा रही है और बीजेपी अब किस तरह से आगे बढ़ने वाली है आपदा के दौरान? बड़ा दुखदायी है, अनेक स्थानों पर बादल फटे हैं, हमारे प्रदेश के अनेक लोग लापता हैं, कुछ डेड बॉडीज़ भी रिकवर की हैं। जहां सड़कों का बाकी चीज़ों का नुकसान है वो उससे अतिरिक्त है। भारतीय जनता पार्टी जान माल की हानि पर संवेदना भी व्यक्त करती है और हमारे सभी टीमें मौके के ऊपर कल प्रातःकाल ही पहुंच गई, हमारे विधायकगण, हमारे नेतागण, और वो जनता के साथ सहयोग में जुटे हैं। आज मैं स्वयं भी एक बड़ी टीम लेके रामपुर आनी के क्षेत्र में है जहाँ सबसे ज़्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है, वहाँ जा रहा हूँ। और केंद्रीय नेतृत्व श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हर संभव सहायता मिलेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी डायरेक्ट किया है कि हम लोग ऑन टोज रहें और जनता का हर प्रकार से सहयोग करें। और हम ये विश्वास भी देना चाहते हैं प्रदेश के भाई बहनों को कि भारतीय जनता पार्टी आपदा की घड़ी में उनके साथ भी और सरकार के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर